प्रधानमंत्री एक तरफ दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, फ्रांस में आपने देखा जलवा चारों तरफ है, पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोहा माना जा रहा है। और जब दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत से जीते तो आपने देखा कि 75 दिन हुए हैं अभी सरकार के, 75 दिन भी नहीं हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकारों की तारीफ अब केवल बीजेपी वाले, आरएसएस वाले या एनडीए वाले नहीं बल्कि अब उनके विरोधी भी करने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में जब सीबीआई और ईडी ने पी चिदंबरम जैसे दिग्गज पूर्व केंद्र मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर और पूर्व गृह मंत्री पर शिकंजा कसा, उनको अरेस्ट किया, जो आईएनएक्स मीडिया का केस था उसमें उनको तिहाड़ जेल भेज दिया, अब कांग्रेस वालों को सीधे आईना दिखाया है उनके ही बड़े दिग्गज अभिषेक मनु सिंघवी और जयराम रमेश ने। इन दो बड़े नेताओं ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ बगावत कर दी। क्यों बगावत कर दी अब हम आपको बता दें। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये दिग्गज हैं उन्होंने कांग्रेस वालों को सीधा सीधा जवाब दिया कि आप उनको खलनायक के रूप में पेश न करें, उनने बहुत अच्छे काम किए हैं, मुद्दों पे बात करें और उनकी तारीफ की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यों की तारीफ की है, तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को अब अपनी गिरेबान में झांकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कैसे गांधी परिवार अपने घमंड में, जो उनका सर में पैसे का नशा है समझो, उसकी वजह से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक करते हैं और तब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिटलर बोलते हैं, कभी आरएसएस की कठपुतली बताते हैं, कभी वो बोलते हैं कि लोकतंत्र का हत्यारा बोलते हैं, कभी बोलते हैं लोकतंत्र कमज़ोर कर रहे हैं। तमाम ऐसी चीज़ें आप राहुल गांधी के ऊपर देखते हैं कि चौकीदार चोर है, पर्सनल अटैक करते हैं। अब जयराम रमेश और अभिषेक मनु सिंघवी ने करारा जवाब दिया। अब आपको बता दें कि अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा है, उनका बड़ा बयान है कि सिंघवी ने जयराम रमेश के बयान को हवाला देते हुए उनके ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखते हैं, मैंने हमेशा से कहा है कि मोदी को खलनायक की तरह पेश करना गलत है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह देश के प्रधानमंत्री हैं बल्कि ऐसा करने के लिए एक तरह से विपक्ष उनकी मदद कर रहा है। और सिंघवी ने आगे कहा कि काम हमेशा अच्छा बुरा या मामूली होता है, काम का मूल्यांकन व्यक्ति नहीं बल्कि मुद्दों पर आधारित होना चाहिए, जैसे उज्ज्वला योजना बहुत अच्छे कार्यों में से एक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी योजना की तारीफ की है, उज्ज्वला योजना की तारीफ की है। राहुल गांधी जो हमेशा उन पर पर्सनल अटैक करते थे, कांग्रेस पार्टी वाले हमेशा पर्सनल अटैक करते थे, हिटलर तक कहते थे और हमेशा ये बोलते थे कि वो सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, कभी मुस्लिम की बात हो तो वो लिंचिंग का बात आगे उठाते थे, पुरस्कारों को वापस करने की बात वो कांग्रेस वाले उसको आगे करते थे। राहुल गांधी तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री पर अटैक करते थे लेकिन उनकी योजनाओं पर कभी वो इस तरीके से बोले नहीं और ये सिंघवी ने उनको करारा जवाब दिया है। अब आपको बता दें कि जयराम रमेश ने क्या कहा था। जयराम रमेश वही पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बहुत बड़े विद्वान भी हैं और उनकी बातें बेबाक होती हैं, पर्यावरण मंत्री भी रहे हैं और उन्होंने क्या कहा है आपको हम उनके बयान को बताएंगे और आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यों से पूरे विश्व में अपना और भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। तो जयराम रमेश ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली में हमेशा नकारात्मक चीज़ें देखना या फिर उनके द्वारा किए गए कार्य को कोई तवज्जो नहीं देना और सिर्फ उनकी इमेज पर निशाने साधने से कोई फायदा नहीं होगा, विपक्ष को इस बात को समझना चाहिए। आपको बता देंगे जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत सारे योजनाओं की तारीफ की है,
उन योजनाओं में जयराम रमेश ने कहा कि 2014 से 19 तक मोदी सरकार ने बिजली के क्षेत्र में उज्ज्वला योजना के जरिए लाखों लोगों को फायदा पहुंचाया, यही कारण है कि लोगों ने उन पर विश्वास किया और विपक्ष को इस बात को स्वीकार करना चाहिए। ये बात अब जयराम रमेश इस बात के लिए भी कांग्रेस और विरोधियों को टारगेट कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हो या ममता बनर्जी हो या अन्य पार्टियां हैं, वो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचंड जीतते हैं तो आपने एक बहाना आपने सुना होगा कि जीत से पहले भी वो बहाना लगातार चला होगा और किस तरीके से वो चुनाव आयोग जाते हैं वो ईवीएम का बहाना ढूंढते हैं, ईवीएम को लेकर एक झूठी अफवाह चला देते हैं, जबकि ग्राउंड लेवल पर हम गांव में गए, लोगों के जो जहां सिलेंडर नहीं था वहां सिलेंडर पहुंचा हुआ था, सड़कें अच्छी बनी हुई थी, तमाम ऐसे काम थे जो गरीब लोगों तक पहुंचे और उनको पहुंचने में 70 साल से ज़्यादा लग जाता है। और अगर कोई प्रधानमंत्री डायरेक्टली उन ऐसी मूलभूत सुविधाओं को ध्यान रखते हुए उनके लिए आगे कार्य करता है, उन तक वो योजनाएं पहुंचती हैं, भले सभी लोगों को नहीं पहुंचे हो, तो आपको 100 में से अगर 70% लोगों तक वो योजनाएं पहुंची भी तो ये बहुत बड़ी सफलता है। और जो कांग्रेस पार्टी उनको टारगेट करती थी कि वो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, उनके मुंह पर ये करारा तमाचा मारा है कांग्रेस पार्टी के इन दो बड़े दिग्गज नेता, अभिषेक मनु सिंघवी जो कोर्ट में बहुत बड़े वकील हैं और दूसरे हैं जयराम रमेश। अब कांग्रेस पार्टी वैसे ही सोनिया गांधी के नेतृत्व में उनको अध्यक्ष बनाया गया है, अब उनके जो ये बड़े दिग्गज हैं, किस तरीके से आपने देखा है कि मध्य प्रदेश के बड़े लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया वो भी बगावत कर देते हैं और 370 पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपोर्ट कर देते हैं। आप हरियाणा से बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी तारीफ की और यहाँ तक कि उनके बेटे ने भी तारीफ की। तो तमाम ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के जो खुलकर कांग्रेस पार्टी से बगावत करते हैं। प्रियंका वाड्रा धारा 370 के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रही थी कि ये असंवैधानिक है, इसको गलत तरीके से हटाया गया है, ये तमाम आरोप लगा रही थी, लेकिन उन्हीं के तमाम लीडर्स रायबरेली की जो विधायक हैं अदिति सिंह कांग्रेस की विधायक हैं, वो नौजवान हैं, वो भी बीजेपी की खुलकर तारीफ करती है। तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के ये बड़े से बड़े दिग्गज नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपोर्ट कर रहे हैं, उससे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ये बहुत बड़ा झटका है। कांग्रेस पार्टी भले ही सोनिया गांधी को अपना अध्यक्ष बना लिया हो, लेकिन उनकी विचारधारा अब खुलकर दो फाड़ हो गई। या तो एक कारण ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्शन लिया है, कठोर कदम उठाए हैं, अब किसी को बख्शने के मूड में नहीं है, तो इसका खामियाजा या कांग्रेस वालों को डर लग रहा है कि मैंने अगर गलत किया है तो अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, या वो आने वाले समय में अभी विधानसभा के चुनाव हैं उससे पहले पाला बदल सकते हैं, उससे पहले कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो ये बहुत बड़ी घटनाक्रम सामने आ रहा है कि कैसे एक इतनी बड़ी पुरानी पार्टी अब अपने अध्यक्ष के विरुद्ध भी बगावत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी और जो प्रियंका वाड्रा है वो एक परिवार में सिमट गई है, वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमला करती हैं, वो हिटलर साबित करने की कोशिश करते हैं। तो अब उनको ही आईना दिखा दिया है कि आप उन पर पर्सनल अटैक मत करिए, उनके कार्यों पर आप टिप्पणी कर सकते हैं। अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खलनायक की भूमिका में हमेशा रखेंगे तो पब्लिक उनको सपोर्ट करेगी। तो जैसे आपने देखा हो कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा, प्रियंका वाड्रा ने उनकी जाति को लेकर टिप्पणी की थी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि वो उन पर मुद्दों से बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों में जो मुद्दे
जनता से सीधे जुड़े थे, जो जमीनी मुद्दे थे उन पर न कोई बात की, जैसे गैस सिलेंडर हो, अब तक लोग गैस लकड़ियों से अपना उस धुएँ में अपना खाना बनाते थे, चाहे शौचालय की बात हो, शौचालय नहीं बना पाए कांग्रेस वाले, चाहे बिजली तक नहीं पहुँचा पाए या उनको घर तक की व्यवस्था नहीं कर पाए, तो जो भी सरकार उन मूलभूत सुविधाओं को जनता तक पहुंचा रही है।